84 साल के वाजपेयी को इलाज के लिए एक बार आईसीयू भी एम्स में ले जाया गया जब उन्हें दाखिल कराया गया। और अब बात सियासत की। कल्याण सिंह की दोस्ती मुलायम सिंह यादव के वोट बैंक पर भारी पड़ सकती है और इसका एहसास सब शायद मुलायम सिंह को भी धीरे धीरे हो रहा है। इसी से परेशान मुलायम ने लखनऊ में एक बैठक कर मुस्लिम धर्मगुरुओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तीर उल्टा पड़ गया। दंगा अगर रोकना है तो दंगे को रोकने के लिए हमको एक बटन चार, एक अनुपात चार, एक अनुपात चार, एक अनुपात चार की रणनीति बनानी पड़ेगी। दंगा रुक जाएगा, दंगे समस्या रुक जाएगी। एक हिंदू के बदले चार मुसलमानों को कत्ल करने के कल्याण के ऐलान से उनके नए दोस्त मुलायम की काफी किरकिरी हुई है, लिहाजा उन्होंने मौलानाओं को जमा किया और उन्हें सफाई दी कि कल्याण से वो बीजेपी को तबाह करवा रहे हैं। मौलाना मुलायम पे तो नर्म दिखे लेकिन कल्याण के नाम से ही भड़क गए। जो भी इस तरह की बात हिंदुस्तान में कहता है वो हिंदुस्तानी कानून का दुश्मन है, अमनो अमान का दुश्मन है। अगर कहा है तो हम इसकी मरम्मत करते हैं। मौलानाओं को मुलायम ने समझाया कि वो पूरी जिंदगी सेक्युलर रहे हैं और उन्होंने 1990 में बाबरी मस्जिद को टूटने से भी बचाया था, इसलिए उन पे भरोसा करें। मौलानाओं को उनकी बात पे यकीन था लेकिन कल्याण उनके लिए ऐसी शख्सियत है जिसे वो पचा नहीं पा रहे। हम कल्याण सिंह को नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि कल्याण सिंह जब अखबारों में पढ़ते थे 1992 में कि कोई मुजरिम 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 है, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मुलायम सिंह दस्ताने पहन के अंगारे पकड़ने का काम कर रहे हों, लेकिन अंगारा तो अंगारा ही है, वो दस्ताने को भी जला सकता है और हाथ को भी। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए।